अपने दिमाग में छिपी हुई संभावनाओं को खोलने की कल्पना करें, अपने विश्वासों को पुनः तैयार करने और अपने वास्तविकता को आकार देने की शक्ति को प्राप्त करने का। आज हम अपने अवचेतन मन की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज में निकलते हैं। तैयार हों संभावनाओं के क्षेत्र में गहराई में उतरने के लिए। जब हम अपनी सबसे अधिक संभावना को खोलने के मार्ग की खोज करेंगे शुरुआती चरण के, हम अपने जीवन में कोई भी स्थायी परिवर्तन नहीं कर सकते। पहला कदम है बदलाव की आवश्यकता को समझना। चलिए इस निर्देशिका में हम पहले प्रमुख चरण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, बदलाव की आवश्यकता को समझना। एक, विश्वासों की जागरूकता और उनके प्रभाव का अनुभव। हमारे वर्तमान विश्वासों और उनके जीवन पर प्रभाव को समझने से पहले हमें अपने वर्तमान विश्वासों और उनके प्रभाव का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करने वाले विश्वासों की पहचान के लिए समविचार और अंतर निरीक्षण की आवश्यकता है। अपने अनुभवों को आत्मसात करके हम अपने अनुभवों और भावनाओं में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है इसे समझ सकते हैं। दो, सीमित विश्वासों की पहचान। बदलाव की आवश्यकता को समझने का एक पहला पहलू है सीमित विश्वासों की पहचान। ये विश्वास अक्सर आत्मसंशय, डर या आत्महत्या कार्यों के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमारी प्रगति को रोकते हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। इन सीमित विश्वासों को स्वीकार करके हम उन्हें समाधान करने और उन्हें अधिक शक्तिशाली विश्वासों के साथ बदलने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तीन, जीवन संतोष का मूल्यांकन। बदलाव की आवश्यकता को समझने का एक और पहलू है हमारे कुल जीवन संतोष और पूर्णता का मूल्यांकन करना। क्या हम अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ अनुरूप जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन के क्षेत्र हैं जहां हमें आत्मसंतोष नहीं मिल रहा है या हमें असंतुष्टि महसूस हो रही है? इन प्रश्नों पर विचार करने से हमें यह अनुभव होगा कि हमारे विश्वासों ने हमें खुशी या थामन की भावना के अनुभव में मदद की है, जो हमें अपने विश्वासों में बदलाव करने की आवश्यकता का एहसास कराता है। चार, वृद्धि और सुधार के लिए इच्छा। बदलाव की आवश्यकता को समझने का एक महत्वपूर्ण घटक है वृद्धि और सुधार की इच्छा रखना। यह बदलाव व्यक्तिगत विकास का एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा होने को स्वीकार करने में सहायक होता है और हमारे विश्वासों को समर्थन या अवरोध कर सकता है। एक उत्सुकता और बदलाव के प्रति खोले दिल का विकास करके हम नए विश्वासों और दृष्टिकोणों को जांचने के लिए अधिक अवधारणात्मक बनते हैं। 5, पैटर्न्स और व्यवहार की पहचान। बदलाव की आवश्यकता को समझने का यह भी अहम पहलू है कि हम वह पैटर्न और व्यवहार पहचाने जो हमें अच्छी तरह से सेवा नहीं कर रहे हैं। यह आत्मसंशय, स्वाभाविक व्यवहार या अव्यावहारिक कॉपिंग तकनीकों के रूप में पुनः पुनः हो सकते हैं। इन पैटर्न की पहचान करके हम उन विश्वासों को पहचानते हैं जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें बदलने और समाधान करने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वास की शक्ति का अध्ययन करते समय हमें यह पता चलता है कि हमारे विश्वास ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन वह सब कुछ मानता है जो हम निरंतर सोचते या पुष्टि करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यहाँ एक अधिक विस्तृत अन्वेषण है। एक, अवचेतन स्वीकृति। अवचेतन मन को यह अंतर नहीं करना होता कि वास्तविकता क्या है और क्या काल्पनिक है। वह बस वे विश्वास और विचार स्वीकार करता है जो हम निरंतर उसके सामने रखते हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप कुछ बार बार अपने आप से कहते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो, मैं आत्मविश्वासी और क्षमताशाली हूँ, या नकारात्मक, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सत्य मान लेगा और इसे वास्तविकता में परिणत करने के लिए काम करेगा। दो, आत्मसात संशोधन। हमारे विश्वास अक्सर स्वयं सिद्ध पूर्वानुमान होते हैं। यदि आप मजबूती से विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप सफलता की दिशा में कदम उठाने की संभावना होती है। उल्टा, यदि आपको लगता है कि आप विफल होंगे, तो आप अपने प्रयासों में अनजाने में असफल हो सकते हैं या पूरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं लेते हैं, जिससे आपका विश्वास मजबूत होता है। 3, सीमित विश्वासों की पहचान। बहुत से लोग हमेशा वही सीमित विश्वास रखते हैं, अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में या अपने परिस्थितियों के बारे में नकारात्मक विचार या विश्वास, जो हमें पूरी क्षमता से उन तक पहुंचने से रोकते हैं। ये विश्वास अक्सर बचपन में बनते हैं
और यदि इन्हें संबोधित नहीं किया जाता है तो वे वयस्कता में भी बने रह सकते हैं। सीमित विश्वासों के उदाहरण हैं, मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे सफलता की कोई अधिकार नहीं है, या मैं कभी खुश नहीं हो सकता। विश्वासों को बदलना। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास अपने विश्वासों को बदलने की शक्ति है। अपने विचारों को पहचानने और नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक में बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम करके हम सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को पुनः कार्यरत कर सकते हैं। इसमें सकारात्मक वक्तव्यों को निरंतर पुनरावृत्ति करना, सफलता की चित्रण करना और हमारे इच्छित परिणामों के साथ संगत कार्रवाई लेना शामिल है। आज्ञाओं और चित्रण का उपयोग। आज्ञाएं सकारात्मक विश्वासों को पुनः पुष्टि करने के लिए होती है। यहाँ आप अपने आप से पुनः पुष्टि करते हैं। चित्रण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता का अनुभव करने के रूप में खुद को दिमागी रूप से देखना शामिल होता है। आज्ञाओं को चित्रण के साथ मिलाकर हम सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली समन्वय बना सकते हैं और हमारे लक्ष्यों की दिशा में हमारी प्रगति को गति दे सकते हैं। सीमित विश्वासों। एक, सीमित विश्वासों का उत्पत्ति। सीमित विश्वास अक्सर बचपन में हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं या जीवन में बार बार होने वाले नकारात्मक अनुभवों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ये विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, सहयोगी या सामाजिक नियम। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को बार बार यह सुनने को मिलता है कि वह प्यार या सम्मान के लायक नहीं है या सफलता के योग्य नहीं है, तो वह इन विश्वासों को अपनी शख्सियत में स्थापित कर लेता है और इन्हें वयस्कता में भी साथ लेता है। दो, सीमित विश्वासों के प्रकार। सीमित विश्वास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो सकते हैं, जैसे आत्ममूल्यता, संबंध, करियर, धन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। सीमित विश्वासों के उदाहरण शामिल हैं। क्रियर आ, मेरे पास सपने की करियर बनाने के लिए प्रतिभा नहीं है। धन हा, मैं कभी वित्तीय रूप से सफल नहीं हो सकता। फोर, आत्म हानिकारकता। सीमित विश्वास स्व हानिकारक व्यवहारों की ओर ले जा सकते हैं, जो हमारे प्रयासों को खत्म करते हैं और विश्वास को स्वयं मजबूती देते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति मानता है कि उसका विफल होना निश्चित है, वह अंततः काम को टाल सकता है, बहाने बना सकता है या समय बिताने से बच सकता है, इस प्रकार अपने विश्वास को एक स्वपूर्णवादी पूर्वानुमान के माध्यम से बढ़ाता है। 5. सीमित विश्वासों को परिभाषित करना। सीमित विश्वासों को पहचानना और उन्हें प्रश्न करना उन्हें परिभाषित करने का पहला कदम है। यह हमारे नकारात्मक विचार प्रवृत्तियों को जागरूकता देने, उनकी मान्यता को प्रश्न करने और उन्हें सशक्त करने के लिए सकारात्मक विश्वासों में पुनर्निर्माण करने में मदद करता है। इसके लिए मानसिक व्यवहारिक चिकित्सा CBT, सकारात्मक आज्ञाएं, चित्रण और अनुभव चिकित्सा जैसी तकनीकें प्रभावी हो सकती हैं। 6. अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए नियमित प्रयास और आवर्ती की आवश्यकता होती है। सकारात्मक विचारों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करके हम पुराने प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे ओवरराइट कर सकते हैं और नई न्यूरो पथवे बना सकते हैं, जो हमारी वृद्धि और सफलता का समर्थन करते हैं। समाप्ति में, सीमित विश्वासों को परिभाषित करना व्यक्तिगत विकास और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। नकारात्मक विचार प्रवृत्तियों को प्रश्न करके और सशक्त करके हम अपनी पूर्णता को खोल सकते हैं और एक जीवन को बना सकते हैं जो संतोषपूर्ण और सफलतापूर्ण है। विश्वासों को बदलना। बदलने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके परिणामों पर पहचान करें। हमारे विश्वास हमारी धारणाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को आकार देते हैं, जो आखिरकार हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे वर्तमान विश्वास सीमित या नकारात्मक हैं, तो वे हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर सकते हैं और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सीमित विश्वासों की पहचान करना। विश्वासों को बदलने का पहला कदम है वे सीमित विश्वासों को पहचानना जो हमें पीछे खींच रहे हैं। इसके लिए आत्मविचार और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने कार्रवाई और निर्णयों को आगे बढ़ाने में हमें अधिक जागरूक कर सकें। जर्नलिंग, थेरेपी या कोचिंग इस प्रक्रिया में मददगार उपकरण हो सकते हैं। 3. सीमित विश्वासों को प्रश्न करना। जैसे ही हम अपने सीमित विश्वासों को पहचानते हैं, अगला कदम उन्हें प्रश्नित करना है। इसमें इन विश्वासों की मान्यता को प्रश्न करना शामिल है और उन सिद्धांतों का अध्ययन करना
जो इन्हें समर्थित या विरोधी मानते हैं। अक्सर हम पाएंगे कि हमारे सीमित विश्वास गलत धारणाओं या पुरानी जानकारी पर आधारित होते हैं। 4. सीमित विश्वासों को सशक्त विश्वासों से बदलना। हमारे सीमित विश्वासों को प्रश्नित करने के बाद हम उन्हें सशक्त विश्वासों के साथ बदलना शुरू कर सकते हैं, जो हमें बेहतर सेवा करते हैं। इसमें हमें नए सकारात्मक विश्वासों का चयन करना शामिल है, जो हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। आध्याय, चित्रण और सकारात्मक आत्मबोलचाल इन नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। 6. सहारा लेना। गहराई से प्रवेशी विश्वासों को बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसके दौरान सहारा लेना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, परिवार या पेशेवर जो इस मार्ग में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, वे महत्वपूर्ण होते हैं। थेरेपी, कोचिंग या समर्थन समूह इस प्रक्रिया में मूल्यवान अंशों और रणनीतियों के लिए मूल्यवान जानकारी और रणनीतियों को प्रदान कर सकते हैं। 7. विकास की मानसिकता को गले लगाना। विश्वासों को बदलने की प्रक्रिया में विकास की मानसिकता को अपनाना महत्वपूर्ण है। विकास की मानसिकता का स्वीकार करना यह जानना है कि हमारी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता समर्पण और प्रयास के माध्यम से विकसित की जा सकती है। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलता के सामने अधिक सहनशील बनते हैं और सीखने और विकास के लिए अधिक खुले हो जाते हैं। सारांश में, विश्वासों को बदलना एक परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें सीमित विश्वासों को प्रश्न किया जाता है, उन्हें सशक्त विश्वासों से बदला जाता है और सकारात्मक सोचने और व्यवहार के नए पैटर्न को मजबूत किया जाता है। समर्पण, दृढ़ता और समर्थन के साथ हम अपने मन को पुनः सार्थक बनाने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, जिससे हमारे लक्ष्य और आकांक्षाओं में अधिक संतोष और सफलता मिल सके। निरंतरता और पुनरावृत्ति। 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदत निर्माण। विश्वासों को बदलने की प्रक्रिया में निरंतरता और पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये मस्तिष्क की अपने आप को पुनर्रचित करने की क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। जब हम बार बार किसी विशेष विचार या व्यवहार में शामिल होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क नए न्यूरोनल कनेक्शंस बनाता है, जो उस विचार या व्यवहार से संबंधित पथों को मजबूत करता है। समय के साथ ये मजबूत कनेक्शंस आदतें बन जाती हैं, जिससे हमें अपनी इच्छित विश्वासों के साथ सोचने और कार्रवाई करने में आसानी होती है। 2. नए न्यूरोनल पथों की स्थापना। निरंतरता और पुनरावृत्ति हमारी इच्छित विश्वासों को समर्थित करने वाले नए न्यूरोनल पथों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक आज्ञाएं, चित्रण अभ्यास और अन्य तकनीकों का निरंतर उपयोग करके हम उन नए विश्वासों से संबंधित न्यूरोनल कनेक्शंस को मजबूत करते हैं। पुनरावृत्ति के साथ ये कनेक्शंस अधिक प्रस्थापित होते हैं, जिससे हमें अपनी इच्छित विश्वासों के साथ सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने में आसानी होती है। 3. आत्मविश्वास और आत्मकार्यक्षमता बनाना। नए विश्वासों और व्यवहारों को निरंतर अभ्यास करने से आत्मविश्वास और आत्मकार्यक्षमता बढ़ती है। अपने लक्ष्य हासिल करने की क्षमता। जैसे ही हम निरंतर प्रयास के माध्यम से सफलता और प्रगति का अनुभव करते हैं, हम अपनी अपनी क्षमताओं में विश्वास को समर्थित करते हैं, जिससे हमारे प्रयासों में दृढ़ता बढ़ती है और हम साथ में अटकाव को पार करने में सक्षम होते हैं। 4. रोजाना के तंत्र में अनुकूलन, निरंतरता और पुनरावृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने दैनिक दिनचर्या में उन प्रथाओं को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जो हमारे इच्छित विश्वासों को समर्थित करते हैं। यह हो सकता है कि हम हर दिन आत्म स्वीकृति, चित्रण या अन्य आत्म सुधार गतिविधियों के लिए निर्धारित समय निकालें। इन प्रथाओं को हमारी दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा बनाने से हम इन्हें दीर्घकालिक रूप से अनुसरण करने की संभावना को बढ़ाते हैं। 5. आवश्यक प्रगति का मॉनिटरिंग और दृष्टिकोण की समीक्षा। निरंतरता और पुनरावृत्ति से सहायता। केवल जब हम प्रगति का मॉनिटरिंग करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने प्रयासों को समायोजित करते हैं, नियमित रूप से हमारी प्रगति का मॉनिटरिंग करने से हमें पहचानने में सहायता मिलती है कि क्या अच्छी तरह काम कर रहा है और कहां हमें अपने विश्वासों या प्रथाओं में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह सुगमता सुनिश्चित करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें और जारी रूप से बढ़ते और विकसित होते रहें। समापन रूप में, हमारे अज्ञात मन की शक्ति को प्राप्त करने की यात्रा साहसिक और परिवर्तनात्मक है। परिवर्तन की आवश्यकता को समझने
विश्वास की शक्ति को अपनाने, सीमित विश्वासों को पहचानने और उन्हें परिभाषित करने और सकारात्मक विचारों और व्यवहारों को निरंतर पुनर्बलित करने के माध्यम से हम दीर्घकालिक व्यक्तिगत विकास और पूर्णता के लिए मार्ग बनाते हैं। याद रखें, हर विचार जो हम सोचते हैं और हर विश्वास जो हम धारण करते हैं हमारी वास्तविकता को आकार देने की समर्था रखता है। तो जब आप अपने आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर जारी रहें तो अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार करें, अपनी कहानी को नया संदेश दें, अपनी सीमाओं को पुनः परिभाषित करें और वास्तव में वह जीवन बनाएं जिसे आप सच में चाहते हैं। आपका पथ साहस, सहनशीलता और अटल संकल्प से भरा हो। जैसा कि आप अपने मन की गुप्त शक्ति को खोलते हैं और अपने पूर्ण संभावनाओं को साकार करने की यात्रा पर निकट आते हैं।